धान का कटोरा छत्तीसगढ़, जहाँ तरह तरह के लोग बसते हैं, तरह तरह की वेशभूषाएं हैं, विविध भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जैसे समूचा भारत यहाँ बसता है। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी बिलासपुर, जहाँ मैकल पर्वत श्रृंखला से कल कल प्रवाहित होती अरपा नदी के तट पर बसा ये खूबसूरत शहर करीब 400 साल पुराना है। समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने के बाद भी बिलासपुर निरंतर विकास की ओर अग्रसर होकर हरी भरी वादियों में सांस लेता जीता जागता शहर जैसे सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये भारत के किसी भी दूसरे आम शहर की तरह है, जिसकी अर्थव्यवस्था को उद्योग, पर्यटन और खेतीबाड़ी सींचती है। बिलासपुर शहर को स्थानीय बोरवेल से पानी की आपूर्ति की जाती है। बेशक इस स्रोत से शहर के पानी की जरूरत तो पूरी होती है, लेकिन उस प्रदूषित पानी का हाल क्या है जो यहाँ के हजारों घरों में हर दिन पैदा हो रहा है, वो आखिर जाता कहाँ है? क्या आपने कभी सोचा है? शहर में पैदा होने वाला ये सीवर का कचरा बिना शोधन के ही शहर भर के नालों से गुजरते हुए अरपा नदी में पहुंचता है। गर्मियों के दिनों में सीवर का पानी कई बार बड़े बड़े टैंकों और तालों में रुका रहता है, क्योंकि कई कई दिनों तक शहर से पानी का प्रवाह बाहर नहीं हो पाता। ऐसे में इस कचरा युक्त पानी में मच्छरों और अन्य कई बीमारियों के कीटाणु पनपने का खतरा बढ़ जाता है। मल मूत्र द्वारा होने या अपशिष्ट पदार्थों द्वारा होने वाला पर्यावरण जल के प्रदूषण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इसके क्या मायने होते हैं, ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इससे विभिन्न संक्रामक बीमारियां फैलती हैं और कुछ खास मच्छर जैसे मलेरिया, फाइलेरिया या एडीज एवं अन्य संक्रामक एवं वेक्टर जनित बीमारियों के जो लार्वा हैं या उनके जो एडल्ट वर्म्स हैं, एडल्ट पैरासाइट्स हैं, उनके काटने से विभिन्न संक्रामक बीमारी एवं कई असंक्रामक बीमारी फैलती हैं। एक ऐसे समाधान की जरूरत है जो भूजल और नदी का प्रदूषण रोके, जो घरों, बच्चों, मवेशियों और स्थानीय किसानों की सेहत पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को दूर करे। एक ऐसी व्यवस्था जो सीवर के कचरा युक्त पानी को सुरक्षित तरीके से नदी में पहुंचाए। Citizens, they demand for services. And one of the main services they require is water. But along with water, we have to think about what is happening with the water which has been used. And this again becomes wastewater, it comes sewerage, which, like I said before, has to be released out of the city. We do this in a controlled manner. Like I've said before, we transport this water out of the city and we treat it in the surrounding, in the circumference of the city to avoid any kind of nuisance and menace within the city premises. So what we try to avoid is, number one, to have not polluted water close to the citizens, close to the habitats, but as well as to avoid a mixture of rainwater with wastewater, which again would create nuisance. भारत के सिर्फ 28% घरों में ही सीवर व्यवस्था है। साफ स्वच्छता के चलते उपजे संकट से उबरने के लिए छोटे और मध्यम शहरों की आधारभूत विकास योजना और फिर जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया गया है। बिलासपुर सीवर ऐसी ही परियोजना है जिसे छोटे और मध्यम शहरों की आधारभूत विकास योजना के तहत मंजूर किया गया है। देखिए, ये प्रोजेक्ट जब हुआ, क्योंकि JNNURM में छत्तीसगढ़ का केवल एक ही शहर है रायपुर, ये प्रोजेक्ट उनकी जो UDSMT की योजना थी उसमें हमने सबमिट किया। क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगभग 300 करोड़ का था और पूरे स्टेट की जो हमारी पात्रता UDSMT की बनती थी वो लगभग 86 करोड़ की बनती थी, तो उन्होंने प्रोजेक्ट को पूरा अप्रूव किया, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगाई कि हम केवल 86 करोड़ रुपया देंगे, बाकी राज्य सरकार अगर कमिटमेंट दें
तो हम इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करेंगे। राज्य सरकार ने ये लिख के दिया कि इसमें बाकी जो बैलेंस पैसा है राज्य सरकार और निगम अपने मत से करेंगे। बिलासपुर सीवर स्कीम 2007 में 279 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बिलासपुर नगर निगम के तहत आने वाले इलाकों के लिए तैयार की गई थी। ऐसा अनुमान है कि इन क्षेत्रों की आबादी सन 2037 तक 8,46,000 हो जाएगी। 2011 की जनगणना के मुताबिक शहर की वर्तमान आबादी 3,30,106 है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे शहर में 260 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई गई और 7 सीवेज पंपिंग स्टेशन तथा 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, जिनमें जोन 1 के लिए 54 MLD और जोन 2 के लिए 17 MLD क्षमता का प्लांट लगाया गया। साथ ही घरों की नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा गया ताकि स्रोत पर ही दूषित जल एकत्र हो सके। एक अनुमान के अनुसार इस योजना के पहले चरण में लगभग 80% घरों को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा। बिलासपुर शहर में लागू की गई ये सीवर व्यवस्था देश में ऐसी पहली योजना है जिसे भारत सरकार की वित्तीय मदद दी गई है। जब केंद्र की सरकार ने इसकी पहल प्रारंभ की तो हमने ये सीवरेज का प्रोजेक्ट प्रारंभ कराया। आज कुछ परेशानियां हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, आने वाली पीढ़ी के लिए ये योजना का निर्माण हमने किया है। बिलासपुर की स्थिति दूसरे शहरों से कोई अलग नहीं है। देश के अन्य शहरों में भी पानी और सीवर निकासी को लेकर इसी प्रकार की चुनौतियां देखी गई हैं। इस योजना के पूरा होने के बाद राज्य में बिलासपुर ऐसा पहला शहर बन जाएगा जहां इस प्रकार की सुव्यवस्थित प्रणाली को लागू किया गया है। लेकिन आज बिलासपुर शहर को ये गर्व है कि उसके पास पूरे शहर भर में सीवर निकासी की एक सुचारू व्यवस्था है। सीवरेज के मेन उद्देश्य हमारे शहर में सीवरेज का काम चल रहा है तो मेन उद्देश्य सबसे पहले तो है प्रदूषण मुक्त, जैसे ओपन नाली जो है वो ओपन नाली ना रहे जिससे तमाम बीमारियां जो है मक्खी और मच्छर और भी बीमारियां होती है उससे बचा जा सके, उसी प्रयास से सीवरेज का कार्य चलाया जा रहा है। ये योजना दिसंबर 2013 तक पूरी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में इस पायलट परियोजना की सफलता ने देश के बाकी हिस्सों की साफ सफाई की व्यवस्था के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया है। बेशक देश के अन्य शहर बिलासपुर सीवर परियोजना से कई सबक ले सकते हैं। बढ़ते हुए शहरीकरण में अगर उस शहर की पहली कोई आवश्यकता है तो सीवरेज है, लेकिन वर्तमान में जब सीवरेज का प्रोजेक्ट चल रहा है तो स्वाभाविक रूप से कुछ परेशानियां हुई हैं, लेकिन ये 2-3 साल की परेशानियां आने वाली 100 साल तक आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखेगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आम आदमी के जीवन को स्वास्थ्य के हिसाब से ये योजना बेहतर बनाएगी।